नमस्कार। सो इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी ने फिर से ओपन कर दिया रजिस्ट्रेशन, जो लोग मिस कर गए थे लास्ट टाइम, क्योंकि हमारे पास भी फ़ोन आते थे और अब मान के चलिए ये अब लास्ट अटैम्प्ट है। तो जो भी इस वीडियो को सुन रहा है वो प्लीज़ रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा। और मतलब कल शाम से स्टार्ट हो गया है और 3 जुलाई तक, दैट मीन्स आपको 5 दिन का टाइम दिया है। दोपहर को 12 बजे तक का टाइम है, वैसे रात तक का टाइम है 11:50 PM, फिर भी आप 3 तारीख का वेट क्यों करेंगे? और देखिए समझिए, लोग ना बड़ा कन्फ्यूज़ होते हैं खासकर आईपी के ब्रोशर में। आईपी ना पैसा कमाने के लिए, क्योंकि आईपी स्टेट यूनिवर्सिटी में थोड़ी सी सेल्फ फंडेड है, दो बार पैसे लेते हैं वो। पहले 1500 रुपये लेते हैं रजिस्ट्रेशन के नाम के। अब ये क्यों है? क्योंकि देखिए नीट, क्योंकि जो इस समय इस वीडियो को सुन रहे हैं, हमारे जब MBBS एडमिशन लेना है या BSc नर्सिंग भी बहुत फेमस है IP के अंदर और काफ़ी बच्चे उसके लिए अप्लाई करते हैं, तो हमने कोई टेस्ट नहीं दिया थ्रू IPU। लेकिन बाकी जो IPU कोर्स कंडक्ट करती है, BBA BCA वगैरह, उसमें वो टेस्ट भी लेती है अपना, तो 1500 रुपये लेती है रजिस्ट्रेशन अमाउंट फॉर दैट टेस्ट। लेकिन जिसने टेस्ट नहीं भी लिया जिस कोर्स के लिए, जैसे लॉ, BTEC और MBBS, BSc नर्सिंग, जहाँ वो नीट, क्लैट और JEE ले रही है और एक दो कोर्स और भी हैं आर्किटेक्ट वगैरह के, पर 1500 रुपये लेती है, उसे बोलते हैं हम रजिस्ट्रेशन फ़ीस। और फिर जब आप पेपर दे देते हो या नहीं देते नीट के केस में, अब 1000 रुपये लेते हैं वो काउंसलिंग फ़ीस पार्टिसिपेशन के नाम से, तो टोटल मिला के 2500 रुपये हो गए। डेफिनेटली सरकारी यूनिवर्सिटी है, बाद में आपसे डिपॉजिट तो मांगती नहीं है अलग से, मतलब 10,000 का, 20,000 का, जो बाकी स्टेट्स मांगते हैं। और मैं रिपीट करता हूँ, IP यूनिवर्सिटी का मेन पर्पस है MBBS में दो, जो कि एक तरह से नॉर्मल कॉलेज हैं, भीमराव अंबेडकर और NDMC सब जानते हैं, बट तीसरा और इम्पॉर्टेंट है आर्मी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंस, जिसमें कि है वो IP के अंडर, बट वो बेसिकली आर्मी वालों का है और मेजोरिटी सीट्स उसमें इंडियन आर्मी के लिए हैं। और फिर कुछ सीटें हैं जो कि रिजर्व्ड कैटेगरी के लिए हैं, दिल्ली जनरल की कोई सीट नहीं होती है ACMS में, ये हमें पता होना चाहिए। ओके, तो स्टार्ट हो गया है, बहुत छोटा सा क्विक वीडियो मैंने बोला था, अपडेट था कि आप लोग देख लीजिए, जिसने काउंसलिंग पहले पार्टिसिपेट नहीं करा वो कर लीजिए, जो भी कैटेगरी सर्टिफिकेट्स होंगे वो अपलोड कर दीजिएगा, जो OBC का रिजर्वेशन चाहते हैं इसमें बहुत क्लियर होता है कि वो दिल्ली का ही बना होना चाहिए, जितने भी SC ST रिजर्वेशन हैं वो दिल्ली का होना चाहिए। तो जबकि देखिए जनरली तो ये होता है ना कि, और आपको पता है कि कोटा, आप चाहे हरियाणा से बिलोंग करते हैं, आपने 11th 12th दिल्ली से करी है तो आपको दिल्ली का कोटा मिल जाता है, लेकिन रिजर्व कैटेगरी के लिए जो आपके सर्टिफिकेट होते हैं वो एक कम्पिटेंट अथॉरिटी फ्रॉम दिल्ली इशूड होने चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो ये बहुत लोग बाद में पछताते हैं कि बाकी सब तो हमने कर लिया और इस फैक्टर पे ध्यान नहीं दिया। और जैसा कि हम जानते हैं दिल्ली में बाकी सारे कॉलेजेस तो MCC कंडक्ट कराती है, तो ये दिल्ली वालों को एडवांटेज भी है और डिसएडवांटेज भी है कि दिल्ली के 7 सरकारी में से एम्स को छोड़ दें तो बाकी 5 सरकारी कॉलेजों का जो 85% सीट्स हैं वो भी MCC वाली काउंसलिंग में आएगा और ये सेपरेट आएगा। और इस तरह के नोटिसेस हमें ये भी दिखा रहे हैं बार बार लगातार कि कोई कॉमन काउंसलिंग नहीं होने वाली। सो बेस्ट विशेस, बेस्ट ऑफ लक। और जैसा मैंने कहा, खासकर जो दिल्ली सेगमेंट के लोग होते हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है इसको फॉलो करना, क्योंकि सबसे बड़ा नेगेटिव फैक्टर यही होता है, क्योंकि 7 में से 5 कॉलेज की काउंसलिंग MCC कर रहा है। तो देखिए होता क्या है, एग्जाम्पल के तौर पर बताते हैं, 650 नंबर वाला, या हम रैंक में बात करनी चाहिए 14,000 रैंक वाला, बाकी स्टेट्स में क्या होता है, एक वॉल इंडिया कोटा भरेगा, अपना स्टेट भरेगा, बट दिल्ली वाला अब क्या करेगा, उसको दिल्ली में रहने वैसे भी, तो उसने 85% भरा मौलाना आज़ाद या UCMS या वर्धमान महावीर, और वो साथ में भर देगा अंबेडकर भी यहाँ पर। तो फर्स्ट राउंड में अंबेडकर में तो एक भी एडमिशन नहीं होता, ये ट्रेंड है, रिकॉर्ड है, क्योंकि राउंड 1 MCC का हमसे आगे चल रहा है। और बच्चों को मैंने कहा ना कि जिसके 680 भी होंगे ना, 690 भी स्कोर होंगे, जिसको श्योर होगा कि टॉप 5 कॉलेज मिलेंगे, फिर भी वो IP का फॉर्म जरूर भरेगा, क्योंकि बहुत सस्ता होता है 1500 और 1000 रुपये का, और वह एक तरह से ब्लॉक कर लेता है अंबेडकर की सीट। IP में चलो ये फ़ायदा है कि जैसे आपको राउंड 1 में सीट मिलती है, फ्री एग्जिट नहीं होता, आपको 40,000 रुपये पे करने पड़ते हैं, लेकिन 40,000 रुपये पे करके आप आगे बढ़ सकते हो एंड यू ऑलवेज हैव ए चांस टू विड्रॉ। तो फिर लोग क्या करते हैं कि राउंड 1 में महावीर मिल भी गया, अभी भी सोच रहे हैं जी, तो चलो अंबेडकर एलोकेट कराया था, इसकी भी सीट भर, इसका भी 40,000 रुपये भर देते हैं, फिर आएगा MCC का राउंड 2। अब क्लियर हो गया कि भाई मेरे को अंबेडकर ही लेना है, या सॉरी उस तरफ से वर्धमान महावीर लेना है, या अटल बिहारी लेना है, या UCMS लेना है, अभी मैं सोच रहा था, या ये भी सोच रहा था मैं ये ऑल इंडिया कोटा से थोड़ा बाहर चला जाऊं, फिर वो फाइनल कर लेगा। लेकिन जो वो 40,000 रुपये दे के यहाँ सीट ब्लॉक कर चुका था, उसकी अभी भी सीट चल रही है, अब हिसाब से ही शुड विड्रॉ बिफोर द राउंड 2, बट होता नहीं है, राउंड 2 में कंटिन्यू होता है, क्योंकि आपने अपनी अपग्रेडेशन की ऑप्शन भरी होती है राउंड 1 में आने के बाद, जिसे बोलते हैं फ्लोट। तो
चूँकि आपने अभी तक सीट नहीं ली है, आपको रिपोर्टिंग करने की वो नहीं थी ज़रूरत, तो आप सीट ख़राब कर देते हो। सो आईपी में ऐसा बहुत होता है, तो राउंड वन आईपी के कट ऑफ को देख के तो बिल्कुल नहीं घबराना है। और इसलिए मैं कहता हूँ कि जो भी ये दिल्ली के ये वाले स्टूडेंट्स होते हैं जो इस रेंज में होते हैं कि दिल्ली मिल भी सकता है अगर हम वेट करें, आई थिंक 2000 की किट्स जिनको सबसे ज़्यादा प्रोफेशनल काउंसलिंग की ज़रूरत होती है, क्योंकि आईपी का राउंड टू जो कि ऑल इंडिया के राउंड टू के बाद होता है, उसके बाद आईपी में हमेशा मॉपअप भी होता है जो उनके यूनिवर्सिटी में होता है, जिसमें काफ़ी सीटें निकलती हैं, पर उससे पहले ऑल इंडिया कोटा का राउंड थ्री हो चुका होता है। तो वहीं पर जाके सबसे ज़्यादा क्लैरिटी कह लीजिए या कन्फ्यूजन कह लीजिए आता है कि क्या मैं ऑल इंडिया कोटा राउंड थ्री से बाहर चला जाऊँ या मैं आईपी के मॉपअप का वेट करूँ, या उससे पहले क्या मैं राउंड टू में ले लूँ। देखो दिल्ली मिल गया तो बात अलग है, लेकिन मैं उन बच्चों की बात कर रहा हूँ ना जिनका राउंड टू में दिल्ली मिस हो रहा है और वो दिल्ली के बाहर जा रहे हैं और आईपी राउंड टू अभी होना है, करेक्ट? तो उन लोगों को बहुत कन्फ्यूजन होती है, एंड आई थिंक दैट इज़ अ स्पॉट, दैट इज़ अ टाइम उन बच्चों के लिए जहाँ आपको सबसे ज़्यादा एक प्रोफेशनल काउंसलिंग की हेल्प होती है। खुद कीजिए, हमसे कीजिए, इट्स ऑल अबाउट डेटा एंड नंबर क्रंचिंग। आपके सामने एक्सेल्स होती हैं, आप एक्सेल्स को देखते हैं, आप देखते हैं कि किसका बच्चा कहाँ जा रहा है, एक एस्टिमेट ही लगाया जाता है, बट 98% भी आपकी गेस अगर ठीक है तो यू कैन मेक अ राइट स्ट्रेटजी। और साथ में एक और भी स्ट्रेटजी होती है कि आप कैसे ऑल इंडिया कोटा टू से थ्री तक भी जा सकते हैं अपने आप को सेफ रखते हुए, वो सब चीज़ें हम गाइड करते हैं, हम हेल्प करते हैं। हमारी मदद चाहिए तो यू नो द प्रोसेस, पहले आप 9643362320 पे कॉल करके एक मीटिंग फिक्स करेंगे। आई एम रिपीटिंग द नंबर 9643362320। 5000 रुपये होता है फेस टू फेस मीटिंग का, 2500 रुपये होता है फ़ोन मीटिंग काउंसलिंग का, जो कि एक सिर्फ फर्स्ट स्टेप है। और फिर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, हमें हायर करना चाहते हैं फॉर फुल फ्लेज काउंसलिंग, एक्चुअली एज यू ऑलवेज से द कॉस्ट गोज फ्रॉम 30,000 to 1.5 lakh डिपेंडिंग अपॉन आपकी क्या रिक्वायरमेंट है, कितने मार्क्स हैं, और मुझे आपसे बात करके क्या लगता है कि कितनी मेहनत करनी पड़ेगी हमें आपके केस में पर्सनली। और मैं हमेशा कहता हूँ, आप में से कई लोग भाई देंगे कि मोस्टली 50,000 वाली काउंसलिंग में ही काम हो जाता है, 1.5 lakh वाले भी बहुत रेयर होते हैं, और मतलब बहुत ही रेयर होते हैं, शायद पूरे साल में 3 या 4 लोग आते हैं, अक्सर ये लोग वही होते हैं 150-160 मार्क्स वाले और जिनके पास बजट भी कम होता है, और उनके लिए हमें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, 6-7 काउंसलिंग से पार्टिसिपेट करना पड़ता है, इंक्लूडिंग इवन साउथ कॉलेजेस फॉर नॉर्थ इंडियन, कि जो जो ओपन स्टेट्स हैं चाहे छोटी सीट्स के हैं तो हम उनके लिए मॉप अप राउंड तक तमिलनाडु भी देखते हैं, आंध्रा भी, तेलंगाना भी, नॉर्थ के सारे, तो उनकी काउंसलिंग्स में बहुत सारा मेहनत लगती है और उसी बात की वो फीस होती है। ओके, सो बेस्ट विशेस, बेस्ट ऑफ लक, ये फॉर्म आप भर लीजिए ज़रूर, मिस मत कीजिए। बाय बाय, आपका दिन शुभ हो, नमस्कार।